कपूर फैमिली में एक से बढ़कर एक सितारे मौजूद है। इस परिवार के लगभग सभी सितारों ने बुलंदियों को छुआ है। हालांकि एक सितारा परिवार में ऐसा रहा जिसे सक्सेस नहीं मिली। वो इस बात से इतने नाराज हो गए कि अपने पिता से ही लड़ पड़े। हम बात कर रहे हैं राजीव कपूर की, जिनका 58 ईयर्स की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। राजीव कपूर फिल्म राम तेरी गंगा मैली में नजर आए थे, लेकिन इस फिल्म की सफलता का सारा क्रेडिट फिल्म की हीरोइन मंदाकिनी को चला गया। कहते हैं कि मंदाकिनी के चलते राज कपूर अपने पिता से अनबन कर बैठे थे। इस फिल्म के डायरेक्टर राज कपूर थे। फिल्म हिट हुई और सारा श्रेय फिल्म की एक्ट्रेस मंदाकिनी को चला गया। राजीव को वो सफलता नहीं मिली जिसकी उन्हें उम्मीद थी। ऐसे में उन्होंने अपने पिता से कहा कि उनके लिए वो एक ऐसी फिल्म बनाए जिसमें उनका दमदार रोल हो। राज कपूर इसके लिए राजी नहीं हुए और बाप बेटे में अनबन हो गई। इतना ही नहीं, राजीव कपूर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि उनके पिता ही उनकी असफलता के जिम्मेदार थे। वही जब राजीव कपूर का निधन हुआ तो लोग उनकी पत्नी के बारे में जानने को भी काफ़ी उत्सुक नजर आए थे। बता दें, साल 2001 में राजीव कपूर ने आर्किटेक्ट आरती सबरवाला से शादी की थी। हालांकि बहुत ज़्यादा समय के लिए ये शादी टिक नहीं पाई। 2003 में ही दोनों का तलाक हो गया। गौरतलब है कि राजीव कपूर राज कपूर के सबसे छोटे बेटे थे। साल 1985 में राजीव फिल्म राम तेरी गंगा मैली के बाद चर्चा में आए थे। बताया जाता है कि इस फिल्म के बाद से ही राजीव और राज कपूर के बीच रिश्ते बिगड़ने लगे थे। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।